बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत अलग सा मैसेज आज मैं देने जा रहा हूँ। निश्चित रूप से सीएलसी में पढ़ने और हर बच्चा मेरे लिए बराबर है, इक्विलेंट है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी एक बात अलग करना चाहूँगा। जब मेरे फतेहपुर की बात आती है तो मुझे लगता है कि ये मेरे गाँव से आया, मेरे घर से आया, उस कस्बे से आया है जहाँ मेरा बचपन बीता है। हाँ तो दोस्तों, कल 1 जुलाई 2023 शनिवार शाम 5 बजे फतेहपुर बुधगिरी बढ़ी में हम लोग एक विशेष लाइव करने जा रहे हैं। लाइव किन का? हमारे फतेहपुर से सेलेक्ट हुए मेरे बेटे बेटियों का। और दोस्तों, कहते हो बहुत खुशी हो रही है, मात्र एक साल में आपकी सीएलसी ने फतेहपुर को 8 मेडिकोस दिए हैं, एक आईटीन दिया है, एक एनआईटीन दिया है। नाम कोट करना चाहूँगा, दीक्षा रनवा 660 नंबर, ट्विंकल जगावत 655 नंबर, निष्ठा बिजारनिया 650 नंबर, नीट की बात करूँ दोस्तों, शक्तिराज राठौड़ 740 नंबर, अंकित कुमार 12वीं के साथ 630 नंबर, पूनम कसवा फ्रेशर बच्ची 624 नंबर, रविचरण वी ट्वेल्थ 613 नंबर, समीर खान फ्रेशर 610 नंबर। ये दोस्तों 8 मेडिकल सिलेक्शन है। और जेई में तो शानदार रिजल्ट हमारे पीताम्बर जगावत का, जिसकी ऑल इंडिया रैंक है 1561 दोस्तों। और इसके बाद हमारा प्रक्षित एक लड़का है जो 12वीं के साथ, जिसकी रैंक है 4202 ओबीसी कैटेगरी में। दोस्तों, कहना बहुत आसान है, केवल एक सत्र में सेशन 2023 में मेरे फतेहपुर के 8 बच्चे डॉक्टर बनने जा रहे हैं, 2 बच्चे आईटीएन बनने जा रहे हैं। ये बच्चे किस प्रकार से सफल हुए, इनकी जर्नी कैसी रही, इस जर्नी के लिए दोस्तों कल मैं फतेहपुर आ रहा हूँ, 1 जुलाई 2023 5 बजे बुधगिरी मढ़ी। मैं मेरे फतेहपुर के सारे अपनों को, फतेहपुर में कहने वाले इस प्रकार से मेरे अपने हैं, कोई कहेगा मारो श्रवण, कोई कहेगा मालो भाईलो श्रवण, कोई कहेगा हमारा गार्जियन श्रवण, कोई कहेगा हमारे बॉस, कोई कहेगा हमारे श्रवण जी, जिस भी रिश्ते से हम बंधे हुए हैं, उन सभी मेरे अपनों को मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं। और इस वीडियो को देखने वाले फतेहपुर के आसपास के मेरे सारे अपने अपने बच्चों को लेके प्रोग्राम में आए, छठी क्लास से लेके अप टू ग्रेजुएशन तक के कोई भी आपके घर में स्टूडेंट हैं तो आप इस लेके आए फंक्शन में, ताकि मैं चाहता हूं कि फतेहपुर से और कई श्रवण पैदा हों। दोस्तों, मैं रोसावा से निकला, सामान्य गांव से, एक अध्यापक के घर से निकला, और आज आपके सामने श्रवण से श्रवण सीएलसी तक का एक सफर तय करके, अभी तो हमने उड़ान भरी है, अभी तो हमने थोड़ी सी जमीन नापी है, पूरा आसमान नापना बाकी है, लेकिन वो मैं तभी नाप पाऊंगा जब आप सबका विश्वास मेरे पे हमेशा बना रहे। जैसे मैं कहना चाहूँगा, दिनेश गिरी महाराज ने आज के 4 साल पहले बजरंग जगावत के 3 बच्चे मुझे सौंपे, और आज उनकी दोनों बेटियाँ मेडिकल में हैं, उनका बेटा आईटी में है। मैं तो वही हूँ दोस्तों, आपको दिनेश गिरी महाराज की तरह आप पे विश्वास करना, अपनी सीएलसी पे, अपने श्रवण पे, मैं यहाँ कहूँगा अपने श्रवण पे। तो अपने फतेहपुर को 8 डॉक्टर एक साल में, 2 आईटीन एक साल में। तो दोस्तों, 1 जुलाई 2023 शाम 5 बजे आप सभी पधारें। और जो वीडियो में शूट कर रहा हूँ, ये कैंपस हमारा स्कूल है सीआईएस, एक बार बचाओ पूरा कैमरा दिखाएं, जहाँ एक लहराता तिरंगा, और ये पूरा कैंपस, ये यहाँ का दोस्तों पूरा ग्राउंड है। ये बच्चे देखें, आप फुटबॉल खेल रहे हैं, ये बच्चे अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी में लगे हुए हैं। करीब 40 बीघा का ये कैंपस है, सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत शानदार कैंपस है। और मैं तो कहता हूँ कि आपके बच्चे को प्री प्राइमरी से लेकर 12th तक यदि पढ़ाना सीबीएसई स्कूल में, तो राजस्थान के श्रेष्ठ स्कूल में आपका एक स्कूल है सीआईएस। बाकी सारी बातें अपन करेंगे कल शनिवार 1 जुलाई 2023 बुधगिरी बढ़ी में शाम 5 बजे। ये प्रोग्राम लाइव भी रहेगा, लेकिन लाइव की बजाय मैं ये चाहूँगा कि आप सभी वहाँ पधारें, मुझे अच्छा लगेगा, मेरी हौसला अफजाई होगी, मैं और बेटर काम कर पाऊँगा अपनों के लिए। नमस्कार, जय सीएलसी।